हरे कृष्णा। सभी भक्तों को मेरी ओर से दंडवत प्रणाम। जाकी रही भावना जैसी। एक बार एक अदालत में एक औरत एक युवक पर मुकदमा दायर कर दी और कारण यह बताया कि वो अमुक व्यक्ति जो है बड़े अजीब ढंग से मुझे सब समय देखता रहता है, मुझे ऐसा लगता है कि मेरे प्राण ले लेगा, मेरी हत्या कर देगा और मुझे ऐसा लगता है कि वो ज़रूर मुझे हानि पहुंचाएगा। तो पुलिस ने वो जो आदमी था उस वो युवक के चरित्र के बारे में छानबीन करने लगा तो उन लोगों को पता चला कि इसकी मानसिक स्थिति एकदम निर्मल है, वो उच्च चरित्र का आदमी है जिससे किसी प्रकार के अपराध की आशंका नहीं की जा सकती, इसलिए वो मुकदमा को खारिज कर दिया गया। और फिर जब उस युवती के बारे में पता लगाया गया तो पता चला कि वो जो औरत है वो जिसके जो भी आदमी को देखती है हमेशा शक के नज़र से देखती है, उसे लगता है कि वो सामने वाला व्यक्ति है चोर है, कभी दूसरे को देखती वो ठगबाज लग रहा है, कभी कोई डकैती की नज़र से मुझे देख रहा है या उसका कोई चाल चलन देख के उसको शक हो जाता है कि ये तो चोर है, ये डकैत है, ये अहिंसा करने वाला है। वो खुद बीमार थी मानसिक तौर पे और हमेशा दूसरों के बारे में बुराइयां ढूंढती रहती थी। उसकी यही इच्छा उसकी प्रतिछाया बन गई थी। उसे सभी लोग खराबियों में परिपूर्ण दुर्बल चरित्र वाले दिखाई देते थे। तो दूसरों में हम प्रायः उन्हीं गुणों को उन्हीं परछाइयों को देखते हैं जो हमारे में स्वयं रहता है, हमारे अंतःकरण में छुपा हुआ रहता है, क्योंकि हम वही देखते हैं। जैसे एक चोर सामने वाले व्यक्ति को हमेशा चोर ही समझता है, क्यों? क्योंकि जीवन भर खुद चोरी किया हुआ है, इसे सामने वाला उसे कभी ईमानदार नज़र नहीं आता और अपने मन के क्षेत्र में गहन में वो हमेशा परीक्षा करता रहता है कि ये हमें विदित हो सकता है, ये हमारे मन के गुप्त मन को विचारधाराओं की भावनाओं में हमेशा निर्मल हो रहा है। तो मालूम कीजिए कि दूसरे अपने आसपास के व्यक्तियों के बारे में जान पहचानने वाले नए व्यक्तियों भाई बहन परिचित विद्यार्थी और ग्राहकों के विषय में आपके मन में कैसा विचार आता है, आप उसके प्रति अपने मन में नेकी और भलाई की बातें सोचते हैं या ईर्ष्या द्वेष फरेब की परछाई आती है आपको, जरा विचार करिए आप सब। यदि वाकई सामने वाला व्यक्ति संकट में है तो आप उनकी सेवा करेंगे सहायता करेंगे या प्रस्तुत हाथ जोड़ कर झटक कर हाथ वापस कहीं और दूर खड़े हो जाएंगे, तो आप उन पर प्रहार मत करिए या प्रेम के दो शब्द बोलकर हंस कर उनका स्वागत करिए। यदि उन्हें किसी प्रकार की सहायता की ज़रूरत हो तो क्या आप उनकी सहायता को प्रस्तुत करेंगे? इन प्रश्नों पर निष्पक्षता से विचार करने पर आपको अपने आरोप की वृत्ति का ज्ञान हो जाएगा। आपको यह मालूम करके आश्चर्य होगा कि अनेक व्यक्तियों में से हम हो या बिना पर्याप्त कारण के घृणा करते हैं, हम अपने ही दुर्गुण अपने ही आरोपित कर रहे हैं, उन्हें अपने रुचि के अनुसार भला बुरा बताया करते हैं। दूसरों के चरित्र के विषय में हमारे निर्णय सदैव हमेशा गुप्त मन में बसी हुई मान्यताओं से संचालित होते रहते हैं। जैसे महात्मा गांधी जी पर दो बार घातक प्रहार हुआ था, जिस व्यक्ति ने प्रथम बार उनकी हत्या का प्रयत्न किया था उसे गांधी जी ने माफ़ कर दिया, वे यह न समझ सके कि कोई व्यक्ति उनके प्रति दुर्भाव रख सकता है, क्योंकि वे सज्जन पुरुष थे, वह सदा सर्वदा दूसरों की नेकी और भले का ही ख्याल रखते थे। दूसरों के ऊपर आरोप करना ये मनुष्य का एक दुर्बल काम है, कमजोर उसकी कमजोरी है जो सही विचार एवं तर्क में बाधा स्वरूप खड़ी हो जाती है। अनेक ऐसे इंसान हैं जो कुछ कुछ के प्रति बड़े अत्याचार के कारण बन जाती है। भारत में भंगी चमार कोली भील इत्यादि निम्न जातियों के प्रति जो घृणा और तुच्छताओं की भावनाएं हैं उनका कारण एक प्रकार से आरोप ही है। पशुओं में सुअर के प्रति बड़ा अत्याचार देखने में आता है। मोहल्ले की लेटरिन बाथरूम गंदगी सड़ी गली चीज़ें जिन्हें खाकर सुअर सफाई का काम करता है,
उनकी ओर लोग दृष्टिपात भी नहीं करते हैं। मनुष्य के संचित आरोप उनके इस घृणा का कारण है। अधिक विकसित होकर आरोप की प्रवृत्ति, क्रोध, ईर्ष्या, प्रतिशोध, घृणा, लोभ जनित भयंकर मानसिक जटिल मानस रोग में प्रस्फुटित होती है। इंसान को अपने इर्द गिर्द में सभी अपने शत्रु दुष्ट पापी खूनी हत्यारे और चोर डाकू प्रतीत होते हैं। उसे ऐसा लगता है जैसे कोई उसका बुरा करने वाला है। उसके आसपास सभी चोर और डाकू हैं, एकमात्र वही ईमानदार है। जैसे सभी उसका बुरा करने के लिए ही बैठे हैं। उससे बदला लेने की भावना से उत्सुक है और सदा उसी का टीका टिप्पणी करते हो और हाथ धोकर उसके पीछे पड़ गए हों। वह स्वयं असंख्य शंकाओं से, दुश्चिंताओं से, कल्पित भय, कायरता, अंतर्द्वंद से, आवेश से उद्गिन हो उठता है। घर में बैठे बाग बगीचे में, सभा सोसाइटी में, बाजार में कभी भी उसे मानसिक संतुलन नहीं प्राप्त नहीं हो पाता। उसका जीवन एक विडंबना बन के रह जाता है। तो तुलसीदास जी कहते हैं, भक्तों के द्वारा भगवान राम के दर्शन का वर्णन करते हुए एक स्थान पर तुलसीदास जी कहते हैं, जिनकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत तिन देखें तैसी। हमारा आज का कथा इसी के ऊपर है कि जिनकी कथा जिनकी भावना जैसी रही भगवान भी उसे उसी रूप में दिखते हैं। कोई भगवान को माखन चोर के नज़र से देखता है, कृष्ण वही है पर नज़र सबका अलग है। कोई माखन चोर के नज़र से देखता है तो कृष्ण उसे माखन चोरी करते हुए ही दिखाई देते हैं। कोई भगवान को उग्र रूप में देखता है तो वो नरसिंह रूप में दिखाई देते हैं। कोई परम दयालु रूप में देखता है तो भगवान राम दिखाई देते हैं। ऐसी जब जैसी जिसकी भावना रहती है उसे वही रूप में, कृष्ण को वही हैं पर अलग अलग रूप में सबको दिखाई देते हैं। प्रभु एक है किंतु भिन्न भिन्न रुचि प्रकृति स्वभाव वाले भक्तों को प्रभु भी अलग अलग आकृति में, अलग अलग रूप में दिखाई देते हैं। विद्वानों को विद्वान, भक्तों को भक्त और शक्ति वालों को शक्ति के अवतार में दिखाई देते हैं। मूल अभिप्राय यह है कि भावना के भिन्नता ही है, जैसी जिसकी भावना वैसे उनका दर्शन। यही बात संसार के विषय में भी लागू होता है। इस त्रिगुण जगत के अनंत भंडार में सत, रज, तम के अनुसार अनेक प्रकार के गुण अवगुण भरे पड़े हैं, पर मनुष्य अपनी भावना के अनुसार उनको प्रतीत करता है। हम अंदर से जैसे हैं वैसे ही हमारा बाहर का भी संसार वैसा ही है। जिनकी भावना भीतर से भलाई की है, सच्चाई, प्रेम, सहानुभूति, करुणा, शील, सौहार्द, वात्सल्य और सद्भाव की ओर झुकी हुई है, उसे उसके संसार में इन्हीं दैवी गुणों का बाहुल्य प्रतीत होता है। वह सर्वत्र उत्तम पवित्र वस्तुओं का ही दर्शन करता है, दूसरों की भलाई की ओर ही देखता है। उसके संसार में ये सद्गुण हमेशा फलते फूलते हैं। उसके मन के अंदर वो हमेशा यही सोचता है, सामने वाले व्यक्ति का भला कर दिया जाए। दुर्भाव के विषय बेल में उसे नहीं उगती, उसके मन में दुर्भावना है ही नहीं। वह हमेशा सर्वत्र प्रेम वितरण करता है और परिवर्तन में वही भाव दुगुना चौगुना उसे मिलता है। महात्मा ईसाई को सूली पर ले जाया गया। रूढ़िवाद तथा ज्ञान के अंधकार में फंसी हुई जनता उनके दिव्य दर्शन को समझ न सके और जब वो मृत्यु के निकट पहुँचे तो उनके मुख से यही निकला, मेरे प्रभु इन लोगों को क्षमा करना क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। ईसा मसीह के इन वचनों से कितना मर्म भरा हुआ है। उनकी ममता, प्रेम, सहानुभूति, अजस्र धारा प्रवाहित हो रही है। जनता कितना मूर्ख है, वह धर्म का मर्म नहीं समझती। वह ईसा मसीह को धर्म का शत्रु मान बैठी क्योंकि उनके गुप्त मन में हिंसा, विद्वेष, क्रोध, प्रतिशोध की भयंकर कीटाणु बैठा हुआ था। लेकिन उदार हृदय वाले ईसा मसीह अपनी सद्भावना फिर भी बिखेर रहे हैं। हे ईसा मसीह, आप धन्य हैं जो लोग आपको सूली पर चढ़ा रहे हैं फिर भी आप उनके लिए प्रेम भावना रखे हैं, भगवान से उन्हें क्षमा करने के लिए कह रहे हैं।
लोगों की आदत है ऊपर छिद्रान्वेषण करते ही हैं। आज का ये मुख प्रमुख दुर्गुण है, लोग दूसरों के अंदर बुराई देखते हैं। अमुक व्यक्ति ऐसा है, अमुक व्यक्ति झूठ बोलता है, चोरी करता है, ईर्ष्या द्वेष वैर में फंसा हुआ है, समाज का शत्रु है, उसे इतनी हानि हो रही है, इत्यादि बातें कोई भी व्यक्ति दूसरों के विषय में कह देता है। ऐसी टीका टिप्पणी करने वाले व्यक्ति ये बातें उच्चारण करते हुए केवल दूसरों के दुर्गुणों की ही नज़र रखते हैं, जबकि ये समस्त दुर्गुण स्वयं उसके अंदर गुप्त रूप में संस्कारों में जटिलता से बैठी हुई है। वह यह भी नहीं सोचता है कि दूसरों की आलोचना करने वाला वो स्वयं कितने दुर्गुणों में, कितने पाप में, संकल्पों में, दुर्विसंधि दुर्भावनाओं में का शिकार है। दीपक के नीचे तो हमेशा स्वयं से ही अंधकार रहा है। एक विदेश का कथाकार थे, वो ये कहते थे, यदि हमें किसी सज्जन कहलाने वाले व्यक्तियों में समस्त दोष प्रकट हो सके जो उसके गुप्त मन अंतःकरण में छुपे रहते हैं, तो हम में से प्रत्येक व्यक्ति इतने अंशों में दोषी है कि उसे फांसी की सजा मिल सकती है। अंदर से हम सब नाना प्रकार के पाप में, संकल्पों एवं गुप्त अनुभवों से भरे रहते हैं। जब तक हमारे पाप ढके रहते हैं तब तक लोग हमें सज्जन ही समझते हैं, और प्रकट होने पर इन्हीं पापमय संकल्पों के कारण हम भयंकर से भयंकर सजा के लिए अधिकारी हो जाते हैं। इस कथन से गहरी सत्यता है, हम में से सबके पास एक बड़ा जरूरी कार्य करने के लिए मौजूद है, वो है स्वयं संस्कार, स्वसंस्कार। अर्थात हमें सर्वप्रथम भावनाओं की सफाई करनी चाहिए। यह बड़ा कठिन काम है। इसकी सफलता के दो कारण हैं, आत्मनियंत्रण और दीर्घकालीन अभ्यास। प्रथम तो यह है कि जब किसी के प्रति मन में कुसंस्कार उदित हो जाए तब ठीक उसके विपरीत मैत्री भावना द्वारा दुर्भाव का निराकरण किया जा सकता है। अभ्यास भी वही साधन है जिसके द्वारा आत्मशुद्धि का उत्तरदायित्व तो पूर्ण हो जाता है, और दुर्भावनाओं से युद्ध करना, उसके स्थान पर दया प्रेम सहानुभूति का पालन करना चाहिए। हमारी साधना का प्रथम प्रधान अंग होना चाहिए, जिसने और इस ओर पग उठाया है उसने जीवन में एक महत्वपूर्ण काम कर दिया है। सबके प्रति सद्भाव, मित्र भाव, प्रेम, सहानुभूति, सेवा, सहायता, मनोवृत्ति, आंतरिक शांति प्रदान करने वाला अवस्था होना चाहिए। मैत्री भावना के अभ्यास से मानव दिन रात अमित सुख का अनुभव करता है। रात्रि में मीठी नींद आती है, वो आराम से सोता है, बुरे सपने भी नहीं आते हैं, सबका प्रिय हो जाता है और अमानव दुष्टों को भी प्रिय होता है। देवता उसकी रक्षा करते हैं, अग्नि विष या हथियार के तक से भी उसे हानि नहीं पहुँचती, तुरंत ही उसे समाधि लग जाती है। उसका आकार सदा प्रसन्न रहता है और बिना किसी अंतर्द्वंद के वह मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। हम यदि अगर मृत्यु काल में भी यही भावना रही तो श्रेष्ठ लोक में उसका जन्म होता है। सबसे मित्रता करना, सबका कल्याण करना, सबकी भलाई और प्रेम की भावना से जब मानव का अंतःकरण परिष्कृत हो उठता है तब उसके शुभ भावों के विद्युत तरंगे समीप के वातावरण में भी विशुद्धता पवित्रता से भर देती है। जब हम दूसरों को भला चाहते हैं तब हम सबको सब प्रेम में मित्र सखा के रूप में देखने लगते हैं। किसी के प्रति दुर्भाव ईर्ष्या द्वेष का होना ही अशांत ईर्ष्या में अंतर्द्वंद्वपूर्ण जीवन बिताना है। सद्भावना न केवल कर्ता को सुख शांति प्रदान करती है वरम समीप के व्यक्तियों में भी उसी भाव को विस्तृत करके स्वार्थ दुष्कर्म एवं संगोचितता से मुक्त कर देती है। हरे कृष्णा। तो ये देखें आप सबने कि जैसी रही भावना जिसकी प्रभु मूरत हो जैसी वैसी, तो हम सब की भावनाएं जैसी रहेंगी, जैसा जिसका विचार संस्कार रहेगा सामने वाले व्यक्ति में भी हमारे उतनी ही भावना रहेगी। एक ठगबाज को दूसरा व्यक्ति ठगबाज ही दिखाई देगा, वो कभी संस्कारी उसे नज़र ही नहीं आएगा।
एक दुष्ट व्यक्ति को सामने वाला व्यक्ति दुष्ट ही दिखाई देगा, अच्छा कभी नहीं दिखेगा। ये हमारे अंतर मन की द्वंद्वता के कारण होता है। तो हमें भी ये सोचना चाहिए कि हम किस प्रकार के विचार अपने मन में रखे हैं और कैसा विचार हमारे मन के अंदर आ रहा है लोगों के प्रति। आप सब भी विचार करिए कि आप सबके मन में तो इस तरह का भावना नहीं आ रही। हमेशा यदि आप भगवान की तरफ मुड़े रहेंगे, भगवान के भजन भक्ति करेंगे, तो आपको दिखेगा सब भक्त ही हैं। आप भक्त हैं तो सामने वाला भी भक्त है। यदि ऐसी भावना नहीं रही तो समझ लीजिए अभी हमारी भक्ति, हम भक्ति के मार्ग पर सही प्रकार से नहीं चल रहे। तब तक आप सब भी धन्यवाद आप सबका, और आप सब भी भगवान कृष्ण का नाम जप करिए जो 16 अक्षरों का नाम है। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।